हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो एसएसबी में सीधी भर्ती आई हुई, यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपकी जो हाइट रहेगी, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो जो आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर रहेगी। फीमेल के लिए भी यहाँ पर अलग से हाइट रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में आपको बने रहना है। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपकी जो एज लिमिट रहेगी 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती की सबसे बड़ी बात होगी, इसमें जो आपको अपना आवेदन फिल करना है, ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और जो उसके ऑनलाइन आवेदन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो रिक्वेस्ट होगी कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। एक एक आपको यहाँ पर डिटेल दी जाएगी, प्लस आपको ये भी बताया जाएगा किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, विदाउट स्पिक देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी फिजिकल डिटेल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग डिटेल दी गई है। अगर यहाँ पर मेल कैंडिडेट है तो जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है तो जो आपके इसमें हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको वहाँ पर बताना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है, क्योंकि जब वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपको इसी के हिसाब से यहाँ पर अपनी हाइट देना होगा। अगर आपकी हाइट इस जोन में आती है तो आपको यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रहेगा। तो हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सशस्त्र सीमा बल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑफिस का भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया, जो कि न्यू दिल्ली में, उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, इसमें आपको फुल डिटेल के साथ बताया गया है। अब जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ डाउनलोड करना होगा, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन है ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, वो भी यहाँ पर इसमें साफ साफ दर्शाया गया है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो सशस्त्र सीमा बल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि एसएसबी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो आपको यहाँ पर से वैकेंसी दी गई है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी काफ़ी अच्छी, आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर 170,500 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर अगर आपके 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट हैं तो आपको उसमें यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर भी वेबसाइट पर मैंसन किया गया है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर 400 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट रहेगा। टोटल आपके यहाँ पर 3 स्टेज रहेगी, यहाँ पर भी आपको सब मेंशन किया गया है।
अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य। सबसे पहले आपके पास एक फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना अनिवार्य। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 10वीं हुआ, 12वीं हुआ, डिग्री हुआ, कुछ भी है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इन डॉक्यूमेंट की आपके पास डिटेल होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फिर होना चाहिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य। अगर आप जनरल या फिर यूआर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। एक आपके पास आईडी प्रूफ होना अनिवार्य है और आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। आधार कार्ड कम ऑप्शनल रहेगा, यानी कि अगर आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 22 फरवरी 2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 23 मार्च 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल करना है। यानी कि जो इसकी अंतिम तिथि होगी, यानी कि जो लास्ट डेट रहेगी, वो 23 मार्च 2020 रहेगी। ये बताऊँ किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको फुल डिटेल के साथ बताया, यहाँ पर आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी एज में छूट दी जाएगी उसके बारे में बताया। अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आते हैं तो यहाँ पर इसमें अलग अलग डिटेल आपको दी गई कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। और यहाँ पर आपको 400 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा जनरल और यूआर कैंडिडेट के लिए। ओबीसी वालों के लिए भी आपको यहाँ पर 400 रुपये ही आपको पे करना होगा। फिर आपको यहाँ पर बताया फोटो सिग्नेचर कौन कौन से आप किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, वही आपको यहाँ पर साफ साफ डिटेल दी गई। यहाँ पर आपको जो इसमें आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बताऊँ किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है। कुछ कैंडिडेट बोलेंगे भाई फेक है, तो फेक के लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से बता दो किस प्रकार से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अप्लाई का जो सेक्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि एसएसबी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। राज का कॉन्टैक्ट नंबर और ये रही इसके यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल जीमेल आईडी है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पर एंड डेट भी दी गई है 22/3/2020 रहेगी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे डाउन आते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाली जो कॉलम है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, आपको यहाँ पर इस पर आना है। क्लिक नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था वही आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।